नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी में अब एक बार फिर से डीजे की धमक सुनाई देगी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के डीजे पर पाबंदी वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और डीजे बजाने को लेकर हरी झंडी दे दी है। बता दें कि 3 साल पहले हाई कोर्ट ने डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिबंध हटाते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश जिस याचिका पर जारी हुआ उसमें डीजे पर रोक लगाने की मांग नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दाखिल याचिका में सिर्फ एक इलाके में डीजे से होने वाले शोर से राहत की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट ने बिना प्रभावित पक्ष को सुने ही व्यापक आदेश पारित कर दिया। दरअसल 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रयागराज के रहने वाले सुशील कुमार ने 2019 में कावड़ यात्रा के दौरान ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाकर डीजे से ध्वनि प्रदूषण और नागरिकों को होने वाली परेशानी से राहत दिलाने की गुहार लगाई थी। सुशील ने अपनी याचिका में अपने प्रयागराज के हाशिमपुर स्थित घर के पास कावड़ शिविर लगने और LCD स्क्रीन पर सुबह 4 बजे से आधी रात तक बजने वाले कान फाड़ू गानों से अपनी बुजुर्ग माँ और अन्य परिजनों को होने वाली परेशानी का ब्यौरा दिया था। इस पर हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी थी। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों को इस पर अमल सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। इसे राज्य के करीब दर्जन भर डीजे वालों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये कहा है कि इस आदेश से डीजे वालों के आजीविका के बुनियादी अधिकार का हनन हुआ। डीजे का लाइसेंस रखने वाले अब नियमों के तहत डीजे बजा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।